कुछ साल पहले मैंने गाना बनाया और उसके रिलीज करने से पहले मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को सुनवाया। उन्होंने कहा कि इसको रिलीज ही ना करना, कि ये फ्लॉप हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने बताया देखो भाई, इसमें दो तीन मसले हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि इसमें पोएट्री है, पोएट्री तो कोई सुनेगा ही नहीं। मैंने कहा अच्छा। और उनका इसमें दूसरा मसला ये है कि इसमें मेलोडी है, मेलोडी तो कोई भी नहीं सुनता। मैंने कहा अच्छा। और उनका इसमें इसको छोटे बच्चे, यंगस्टर्स, टीनेजर्स नहीं सुनेंगे, तो इसलिए आप ये गाना रिलीज ना करें, कोई और म्यूज़िक बनाएं। लेकिन आपके भाई ने किसी की बात नहीं मानी। आर्टिस्ट वो नहीं होता जो ट्रेंड्स को फॉलो करे, आर्टिस्ट वो होता है जो ट्रेंड्स बनाए, लोग फॉलो करते हैं। आर्ट ये नहीं है कि हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल, ये चल रहा है ऐसा बना दिया, ये आर्टिस्ट का काम नहीं है। आर्टिस्ट का काम है कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि लोग अब इस तरह का बनाएं। तो जब वो मैंने लॉन्च किया तो उसके बाद उस तरह के कई सौ गजलें, कई सौ गाने और आ गए कि यार आजकल ये चल रहा है ऐसा बनाते हैं। अच्छा, उसकी कुछ लाइन ऐसी थी, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा। I'm not afraid.
अंडरएस्टिमेट करते हैं हम अपनी नई जनरेशन को कि जी वो ये नहीं सुनेंगे, वो ये नहीं सुनते, ये नहीं करते, हम सही पैकेजिंग नहीं करते उनके लिए। तो आज के बच्चे जो हैं वो इसीलिए चीज़ें रिजेक्ट करते थे कि वो झूठ नहीं बोलते, जो उन्हें नहीं अच्छा लगता वो कहते हैं नहीं अच्छा। हमारे ज़माने में कोई चॉइस नहीं थी, एक चैनल आता था जो आ रहा है बहुत अच्छा यही है भाई, अब तो बहुत बड़ी चॉइस है। तो हमने अपनी नई जनरेशन को अंडरएस्टिमेट नहीं करना, उनसे लड़ना नहीं है, उनकी पसंद नापसंद से नफरत नहीं करनी, हमने देखना है कि उनको अच्छी चीज़ कैसे सुनाई जाए, कैसे दिखाई जाए, कैसे बताई जाए। यही कोशिश कर रहा हूँ आज तक कि मेरे गाने टीनेजर्स में भी चलते हैं, जब मैं स्कूल कॉलेजेस की शोज़ करता हूँ वहाँ भी इसी तरह आपकी तरह लोग गा रहे होते हैं। मुझे समझ में नहीं आती छोटे छोटे बच्चे इन्हें क्या, इन्होंने कब सुना और इन्होंने ये कैसे गा रहे मेरे साथ ही गाने, लेकिन गाते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, आप लोगों की दुआएं हैं और उन दुआओं के साथ ही सी माइनर से भैरवी रचाते हैं। साल हो गए अभी लगता है, अभी आ गया मुझे लगता है। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे, रब कोलो दिल जानी मंगना जरूर, हाल न जाने मेरा दुनिया ने माने, मेरी जिंद मेरे दिल दास रूरे, 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 तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, सोनी लगती हो मैनू सोनी लगती, सोनी लगती हो मैनू सोनी लगती, होए ओ होए ओ होए ओ होए ओ, तू मेरा कुछ भी नहीं हो मैनू कह गई, जेड़ी मेरा सुर तेरी है मेरी नाल, लोका ते आके और इस शहद वाले वक वक कीता सानू दुश्मन दी चाले, 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 ते मन ता मुरादा नाल बनती ते टिच साडी जोड़ी लगदी, जोड़ी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी, सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी, सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी, सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी ओ।
हिलना कोई ना तेरा बड़ा सुनना कोई ना तू तो हिलना कोई ना तेरा बड़ा सुनना कोई ना कोई मेरे हाथ ही मेरे वर्गा मिलना कोई ना तेरे पीछे मैं तेरे पीछे मैं तेरे पीछे मैं सारी है आदमी कोई लग रही सोनी लगती हो मैं सोनी लगती सोनी लगती हो मैं सोनी लगती सोनी लगती हो मैं